इसके लिए मैंने ये फेस वॉश और प्लस ये जो ग्लू पट किया ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा बेटर फील हो रही है। अब मैं जो बाकी का बचा है ना वो मैंने ना ये देखें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड किया है। स्किन तो वैसे मुझे क्लम्प लग रही थी लेकिन लाइक कंसिस्टेंसी होती है, खुशबू इसकी बड़ी सी डबल। मैंने ये फेस वॉश है ये दो, ये देखें इसको करीब से भी पैक देख लें। ग्लूपाटोन एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्किन वाइटनिंग इमल्जन, और इसका जो है ना बड़ा पैक भी आता है लेकिन मैंने चूंकि मैंने एक्सपेरिमेंट ही करना था तो मैंने कहा कि मैं इसका छोटा पैक ही मंगा लेती हूँ। अगर इसका रिजल्ट अच्छा लगा तो फिर मैं भी इसका बड़ा मंगा लूंगी और आप भी इसका बड़ा वाला पैक मंगा लेना, ठीक है। तो अभी पैसे जाया करने के लिए मैं मौजूद हूँ, आपको जरूरत नहीं है जाया करने। आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना ये देखें ग्लूपाटोन की आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। इसका मैं फेशियल करूंगी अपना, मैंने अभी द्रास से ऑर्डर किया था, अभी मतलब एक हफ्ते पहले ही मुझे रिसीव हुआ था। ये मैं आपके सामने अभी खोलती हूँ। आजकल यूट्यूब पर कितना ज्यादा चला हुआ है ग्लूपाटोन का फेशियल ना, फेशियल और ये नाइट क्रीम्स में लोग यूज करें, तो मैंने कहा इसको मंगा के देखें। मैंने छोटा वाला पैक मंगाया और इसका रिजल्ट मैं आपके सामने अपने फेस पर पहले इसका फेशियल करूंगी, आपको दिखाऊंगी और मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ओ माय गॉड, इसके पुरखेचे निकल रहे हैं। लाइट ऑन नहीं की थी। अच्छा कंसिस्टेंसी इसकी देख लें, कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे जैसे जेल लाइक लोशन लाइक कंसिस्टेंसी होती है ना, वो वाली कंसिस्टेंसी है। और खुशबू इसकी बड़ी जबरदस्त है। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ आगे फेशियल करना। अब सबसे पहले हम फर्स्ट चेक करेंगे कि चूजे इतना बोलते हैं, फर्स्ट चेक करेंगे क्लेंजिंग का। इसके लिए मैंने ये फेस वॉश और प्लस ये जो ग्लूपाटोन है ना इसको हम मिक्स करेंगे। अब जो है ना ये थोड़ा सा मैं फेस वॉश लूंगी, ठीक है। जितना आप फेस के लिए यूज करते हैं ना फेस वॉश उतना ले लें, और ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और फिर इसमें लेंगे बाकी का ग्लूपाटोन। अब इसकी क्वांटिटी भी देख लें, जितना मैंने फेस वॉश लिया है उसकी डबल मैंने ये फेस वॉश है ये दो डबल क्वांटिटी लेनी है ग्लूपाटोन की, सॉरी। अच्छा फेस वॉश आप जो अपनी रेगुलर रूटीन में मुंह धोने के लिए यूज करते हो वही लेना, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला लो। सिंपली हम इससे फेस वॉश कर लेंगे, मैं मुंह पर पानी डाल रही हूं। ये देखें ऐसे झाग आ जाएगी कि फेस वॉश की वजह से आएगी, ग्लूपाटोन तो जस्ट क्रीम ही है। इसको मुंह पर लगा के जैसे आम फेस वॉश करते हैं आप वैसे ही फेस वॉश कर लें ना, पता लगेगा इसका क्या नतीजा निकलता है। अभी फेस वॉश पूरा हो जाए बल्कि पूरा फेशियल हो जाए ना फिर अंदाजा होगा। बस एक मिनट के लिए मैंने फेस वॉश किया और फिर मुंह धो देना। चलो यार अभी तो मुझे कोई बड़ी तरक्की नहीं नजर आई है अपने फेस पे। क्लेंजिंग के बाद अब सेकंड स्टेप पे मैंने बनाना है स्क्रब। अब इसके लिए मैंने ना ये देखें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड किया है इसमें, और बाकी का जो है वो ग्लूपाटोन ऐड करेंगे। जितना सॉल्ट लिया उसका डबल ग्लूपाटोन ऐड कर देना, ठीक है। करीब से इधर बोल के अंदर दिखा दो और ये इसको कर लेना है जी मिक्स 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 मिक्स। स्क्रबिंग के लिए आप सॉल्ट की जगह शुगर भी ऐड कर सकते हो, स्पेशली ब्राउन शुगर का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है फेस पर, और चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो। और ये हम लगाएंगे जीरो का बल्ब, एस्थेटिक इफेक्ट, एस्थेटिक लुक नहीं आ रहा, बिजली जरूर आएगी। अब लगाया है मैंने इस पे स्क्रब, ये सॉल्ट का स्क्रब है, सॉल्ट का रिजल्ट वैसे भी ना एज ए स्क्रब अच्छा होता है। दो मिनट के लिए स्क्रब कर लेना। और अगर आप होममेड सॉल्ट या शुगर वगैरह का स्क्रब यूज ही नहीं करना चाह रहे हो तो फिर मार्केट से जो स्क्रब्स मिलते हैं ना उसको आप ग्लूपाटोन में ऐड करके एज ए स्क्रब यूज कर सकते हो। क्वांटिटी ऐसे ही रखनी है कि ग्लूपाटोन स्क्रब की डबल क्वांटिटी में ले लेना। बस दो मिनट की स्क्रबिंग के बाद फेस वॉश कर लिया, मुंह अच्छे तरीके से धोकर फिर उसके बाद रिजल्ट चेक करते हैं। स्किन तो वैसे मुझे क्लम्प लग रही थी लेकिन जो असल रिजल्ट है ना वो तब पता लगेगा जब पूरा फेशियल हो जाएगा। अभी पता लगता है ये कैसा आया है, अभी मास्क लगाऊंगी ना फिर पता लगेगा। स्क्रबिंग के बाद थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं फेस मास्क। अच्छा बीच में जो फेस मसाज है वो मैंने स्टेप नहीं किया है, आपने अगर करना है तो ग्लूपाटोन में एक दो ड्रॉप्स आमंड ऑयल डालकर उससे मसाज करें। मैं फेस मास्क के बाद बना रही हूँ स्क्रब के बाद बना रही हूँ फेस मास्क। इसके लिए मैंने एक चम्मच लिया है मैदा, ये देखिए ये वाली एक चम्मच मैदा लिया था ना, ये वाली दो चम्मच डालूंगी ग्लूपाटोन, एक और ये दो। मिक्स करते हैं, लई बना लेते हैं इसकी। ये देखें कंसिस्टेंसी देख लें इसकी। अब इसको लगाती हूँ फेस पे। बिल्कुल सिंपल फेस मास्क मैंने बनाया, सिर्फ एक मैदे का इंग्रेडिएंट ऐड किया ग्लूपाटोन में, बल्कि पूरा फेशियल ही बहुत सिंपल था। हर स्टेप में मैंने सिर्फ एक एक ही इंग्रेडिएंट ग्लूपाटोन में ऐड किया, बट इसका रिजल्ट आप देखना, शश की आ जाने, मज़ा आ जाना है आखिर में। अच्छा 15 मिनट मैंने इस फेस मास्क को लगाया, बस 15 मिनट के बाद फेस वॉश कर लिया है मैंने। उसके बाद रिजल्ट अच्छा है, मुंह क्लीन लग रहा है, बिल्कुल क्लीन क्लीन सा रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है, इधर ज्यादा अच्छा। मामा आपको लग रहा है ओरिजिनल में? हाँ
साफ लग रहा है ना, लेकिन इसमें इतना अच्छा एज कम्पेयर टू कैप्चर नहीं हो रहा जितना अच्छा ये ओरिजिनल में। भाईका थोड़ा सा देखो कैमरा सेट करो, ये वाली चाहिए। इंस्टेंटली ये जो मास्क तो मैंने उतारा है ना 15 मिनट के बाद, तो स्किन बिल्कुल कलर क्लियर और फ्रेश होता है ना, विजिबल यार साफ दिख रहा है। धोते हैं और ये जी मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया है। अच्छा 4 स्टेप्स का ही था, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आधा घंटा निकालोगे उसमें भी हो जाएगा। अच्छा आपने इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी लाइक कर लो, अच्छे से कमेंट्स कर देना। तो मैं ना आखिर में इस क्रीम को ही डायरेक्ट एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ करी, क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे जैसे क्रीमी लोशन की कंसिस्टेंसी होती है ना, ये उस तरह की लग रही है, अभी मैं फेस पर लगाती हूँ। और मैंने अभी बाहर से आकर ये फेशियल किया था, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो बंदा बाहर से आता है तो काफ़ी अनफ्रेश लुक होता है, तो इससे काफ़ी क्लियर और फ्रेश लग रही है। ऐसे डैप डैप मारे ताकि सर्कुलेशन अच्छी हो फेस। अच्छा अब मैं आपको ना इसका फाइनल लुक रिजल्ट या कह लें दिखा रही हूँ, हाथ मेरे इतने सड़े भुसे हुए क्यों आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा है बेसिकली इसका रिजल्ट। हाँ इसका रिजल्ट दिखा मैंने जो लाइव दिखा दी, देखिए ग्लो आपको नजर आ रहा होगा। दूसरी बात है कि अगर सन टैन है ना, वो आपका इंस्टेंटली एक ही फेशियल पहले फेशियल से ही काफी हद तक रिमूव हो जाता है। स्किन भी वाकई नो डाउट मुझे क्लियर लग रही है, मतलब पहले से। एक बात बताऊं, सामने फ्रंट से देखने में ना वो रिजल्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्किन का टोन भी 1-2 टोन स्किन लाइटर फील हो रही है। अब मैं जो बाकी का बचा है ना वो नेक्स्ट वीक दोबारा से इसका इंशाल्लाह फेशियल करूंगी।